जैन साथियों, मैं भूपेन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतेह CGPSC 2023 के फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया अंग दीजिए। आज हम क्लासेस में लाए हैं जो नवीनतम 5 जिला बने हैं, वहाँ का एक दृष्टि में मतलब शॉर्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा घोषणा तिथि कौन कब हुआ है, तहसील कितने शामिल है, कौन कौन से तहसील है। इसको चूँकि आने वाला एग्जाम 12 फरवरी को CGPSC का होना है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का बात की जाए जिला परिदर्शन में या करेंट अफेयर या फिर छत्तीसगढ़, इन तीनों से मिलाकर आप लोग का क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल आइए, स्वागत है डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। बात कर रहे हैं हम लोग नवगठित जिला जो है उसको एक दृष्टि में। इससे पहले 5 जो नवीनतम जिला बने हैं उनका सेपरेट हम वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं। अब ये है जिसमें शॉर्ट में बताएंगे कि सभी का 5 जिला कब कब इसका घोषणा हुआ है, कौन कौन से संभाग के अंतर्गत है, कौन कौन सा तहसील है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट की जाए तो सबसे पहले 29वां जिला की बात की जाती है। अब 28 जिला तो ऑलरेडी है छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद क्या हुआ नवीनतम जो है जिला बना 5 जिला, उन्हीं को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है 29वां जिला नवीनतम जिले के रूप में। नवीनतम जिला क्या, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का राजनांदगांव वाले क्षेत्र में। अब राजनांदगांव के जो क्षेत्र है, राजनांदगांव जिला है, वहाँ से अलग होकर बना है 29वां जिला के रूप में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए तो सृजन जो अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित, तो ये जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट को पूछेगा। अभी नवीनतम जिला है, सामने एग्जाम है, तो ना केवल करेंट अफेयर बल्कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसको पूछेगा। तो इसका जो सृजन अधिसूचना है जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए, वो हुआ है 1 सितंबर 2022 को। वही बात की जाए जो शुभारंभ तिथि है, कौन शुभारंभ किया, जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, कब किया गया 2 सितंबर। तो ये जो शुभारंभ तिथि है इसको ज़्यादा आप फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से ये डेट को पूछ सकते हैं। तो शुभारंभ किया था 2 सितंबर 2022 को। मातृ जिला की बात की जाए तो कौन आ जाएगा, राजनांदगांव। ये देखेंगे यहाँ पे राजनांदगांव से अलग होकर बना है 29वां जिला के रूप में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अब बात की जाए संभाग के, चूँकि जो राजनांदगांव है वो दुर्ग संभाग के अंतर्गत था, अब राजनांदगांव से अलग होकर बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तो ये किसमें संभाग में शामिल होगा, दुर्ग संभाग में। ठीक है, अगर ये इधर बात की जाए सरगुजा संभाग है, ठीक है, इधर आ जाए तो बस्तर संभाग है, बीच से आ जाए तो इधर एक साइड आ जाएगा पूरा दुर्ग संभाग में, और ये इधर आ जाएगा रायपुर संभाग में, और ये वाला आ जाएगा बिलासपुर में। ये सरगुजा, ये बिलासपुर है, ये दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग में है, और ये नीचे बस्तर संभाग में। ठीक है, कुल शामिल तहसील, अब जो नवीनतम बने हैं उसमें शामिल किन कौन से तहसील हैं उसको देखा जाए तो सबसे पहले मोहला, देन मानपुर, देन अंबागढ़ चौकी, देन औंधी और देन खड़गवा। ठीक है, कौन कौन से, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी औंधी और खड़गवा। तो ये इस प्रकार से आप लोग का 29वां जिला बनता है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जिसका राजपत्र में सृजन अधिसूचना की तिथि है 1 सितंबर 2022 है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा जो शुभारंभ तिथि है वो 2 सितंबर 2022 है। मातृ जिला की बात की जाए तो राजनांदगांव, संभाग की बात की जाए तो दुर्ग, और टोटल जो शामिल तहसील है तो 5 तहसील में कौन कौन से, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी औंधी और खड़गांव। नेक्स्ट आते हैं हम 30वां नंबर का, तो कौन सा, सारंगढ़ बिलई। अब ये आप लोग का रायगढ़ वाला क्षेत्र है, रायगढ़। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा जो रायगढ़ और बलौदा बाजार वाला क्षेत्र उससे अलग होकर बना है आप लोग का सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, अब सीजन जो अधिसूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ इसके लिए भी सेम क्या है आप लोग का, 1 सितंबर 2022 है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो शुभारंभ तिथि किया गया यहाँ पे 3 सितंबर है, जबकि इसमें क्या था 2 सितंबर था। मातृ जिला की बात की जाए तो रायगढ़ और बलौदा बाजार, अगर आप मैप में देखें तो ये आप लोग का रायगढ़ वाला क्षेत्र दिख रहा है और ये आप लोग का यहाँ पास आ जाएगा बलौदा बाजार, तो इन दोनों क्षेत्रों को अलग होकर बना है क्या आप लोग का, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ कौन से संभाग में, बिलासपुर, जैसे कि मैं बताया था ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। अब कुल शामिल तहसील कौन कौन से इसको देखें तो 5 तहसील आप लोग का कौन कौन से, सारंगढ़, बरमकेला, सरिया, बिलाईगढ़ और ये भटगांव। ये 5 तहसील मिलकर बना है आप लोग का 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। मातृ जिला की बात की जाए तो रायगढ़ और जो बलौदा बाजार है उनको अलग होकर बना है 30वें जिला के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़।
सृजन अधिसूचना 1 सितंबर और जो शुभारंभ तिथि है वो 3 सितंबर। मातृ जिला रायगढ़ और बलौदाबाजार, इनसे अलग होकर बिलासपुर संभाग 5 तहसील में 5 तहसील आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का 31वां नंबर का जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अब देखिए इधर खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये भी किससे अलग होकर बना है, राजनांदगांव से अलग होकर बना है। संभाग की जाए तो ये भी दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। अब सृजन जो अधिसूचना है राजपत्र में प्रकाशित हुआ क्या, 1 सितंबर 2022 का। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा जो शुभारंभ तिथि है वो कब हुआ, 3 सितंबर 2022 को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग का मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलईगढ़ और खैरागढ़ छुईखदान गंडई, इन तीनों का सृजन अधिसूचना कब है, 1 सितंबर 2022 है। मोहला मानपुर के लिए शुभारंभ तिथि 2 सितंबर है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए 3 सितंबर और खैरागढ़ छीखदन गंडई के लिए भी 3 सितंबर 2022 है। राजनांदगांव, ठीक है, मातृ जिला जिससे अलग होकर बने हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत। तहसील कितने हैं, 4 तहसील दिख रहे हैं आप लोग को, कौन कौन सा है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई और ये साल्हेवारा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का 31वां जिला के रूप में बनता है खैरागढ़ छुईखदान गंडई, जो कि राजनांदगांव से अलग होकर बना है। 1 सितंबर इसका सृजन तिथि, ठीक है, शुभारंभ तिथि 3 सितंबर 2022, मातृ जिला राजनांदगांव, कौन से संभाग, दुर्ग संभाग, 4 तहसील के अंदर, ठीक है। अब ये आता है आप लोग का 32वां नंबर का जिला, कौन, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अब ये कोरिया वाला क्षेत्र दिख रहा है, इस कोरिया वाले क्षेत्र से अलग होकर कौन बना है, ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कौन से नंबर, 32वां नंबर का, ठीक है। तो मातृ जिला की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा, कोरिया। संभाग की बात की जाए तो कौन से संभाग में, ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। तहसील कितना है, 6 तहसील दिख रहे हैं, कौन कौन से, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर केल्हारी कोटाडोल और ये खड़गवां, 6 तहसील मिलकर बना है 32वां जिला के रूप में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। किससे अलग होकर बना है क्वेश्चन पूछे तो कोरिया। कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा, बोलेगा सरगुजा, ठीक है। इसका जो शुभारंभ तिथि है वो कब है, 9 सितंबर 2022, ठीक है। और जो राजपत्र में जो प्रकाशन है वो किस तिथि को हुआ था, तो 8 सितंबर 2022 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए 33वां जिला के रूप में जो शक्ति है, देखिए यहाँ पे आप लोग का जो चापा आ जाता है, ठीक है, उस जांजगीर चापा से अलग होकर बना है क्या आप लोग का, शक्ति। संभाग की बात की जाए तो कौन से संभाग में आएगा, ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। सृजन जो अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुआ था इसके लिए 8 सितंबर 2022 को, और इसका जो शुभारंभ तिथि है वो 9 सितंबर 2022 को है। जांजगीर चापा से अलग होकर बना है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तहसील कौन कौन से, शक्ति है, डबरा है, जय जयपुर, माल खरौदा है, नया बाराद्वार है और ये अड़भा, ठीक है। तो इन दोनों का डेट याद रखेंगे, जो 32 और 33 नंबर का जो जिला बना है, 32वां में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और 33वां जिला शक्ति, इनके लिए जो सृजन अधिसूचना का जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है वो 8 सितंबर 2022 को है, और इन दोनों का जो शुभारंभ तिथि है वो 9 सितंबर 2022 है, ठीक है। एक बार क्विक रीजन में आते हैं तो 29वां जिला बना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सृजन अधिसूचना 1 सितंबर 2022 और शुभारंभ तिथि 2 सितंबर 2022, मातृ जिला राजनांदगांव, दुर्गा और ये 5 तहसील है, ठीक है। बात की जाए 30वां जिला सारंगढ़ बिलईगढ़ किससे अलग होके, तो रायगढ़ और बलौदाबाजार से अलग होकर बिलासपुर संभाग, 5 तहसील, ठीक है, डेट देख लेंगे। फिर 31वां जिला के रूप में खैरागढ़ छीखदान गंडई राजनांदगांव से अलग होकर बना है, ठीक है, राजनांदगांव से, और ये सृजन अधिसूचना 1 सितंबर 2022 को है, शुभारंभ 3 सितंबर को है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत, 4 तहसील, ठीक है। अब ये आ जाता है 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कहाँ से अलग होकर बना, कोरिया से, सरगुजा संभाग के अंतर्गत, और इस जिले में कितना तहसील, 6 तहसील। 33वां जिला शक्ति, जो कि जांजगीर चांपा से अलग होकर बना है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, 6 तहसील आ जाएगा, ठीक है। सृजन अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को, और जो शुभारंभ तिथि है वो 9 सितंबर 2022 को। इस प्रकार जो पांचों जो जिला है, नवीनतम जो जिला, उनका हम एक दृष्टि में अपन देखें, शॉर्ट में देखें, तो ये सब बनता है। तो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप एग्जाम जाने से पहले इसका क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।